भाई लंबी है जिंदगी, मिलेंगे फिर से, ठीक है, बाय। क्या खूब रंग दिखाती है जिंदगी, जब सोचते हैं लंबी है तभी साथ छोड़ जाती है जिंदगी। टीवी इंडस्ट्री के सुपरस्टार और रियलिटी शो के किंग और बॉलीवुड में अपनी दमदार एंट्री की दस्तक दे चुके सिद्धार्थ शुक्ला अचानक इस दुनिया से चले गए। उनकी मौत की खबर ने ना सिर्फ इंडस्ट्री के लोगों को बल्कि उनके करोड़ों फैंस को हिलाकर रख दिया। जब ये खबर आई तो ऐसा लगा जैसे 14 जून 2020 का वो मनहूस दिन लौट आया है जब सुशांत सिंह राजपूत की मौत की खबर आई थी। इंडस्ट्री और फैंस के बीच जो स्तब्धता सुशांत सिंह राजपूत की मौत पर थी, वही सदमा सिद्धार्थ शुक्ला के जाने पर लगा। और एक बार फिर किसी यंग टैलेंटेड एक्टर के अचानक यूं दुनिया छोड़ जाने पर सवाल भी उठने लगे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि सुशांत की तरह सिद्धार्थ के जाने के पीछे भी कुछ राज हों। हालांकि देखा जाए तो सिद्धार्थ और सुशांत में काफ़ी समानताएं थीं। दोनों ही नॉन फिल्मी बैकग्राउंड से आए थे, एक मिडिल क्लास फैमिली से थे, दोनों ने ही अपना करियर टेलीविजन से शुरू किया, दोनों ही टेलीविजन के सुपरस्टार थे और दोनों ने टीवी के बाद बॉलीवुड में दस्तक दी थी। इन दोनों के बीच में ये चीज़ें बहुत कॉमन है। और एक चीज़ और कॉमन है कि सिद्धार्थ शुक्ला भी सुशांत सिंह राजपूत की तरह ही इंटेलिजेंट भी थे। सिद्धार्थ शुक्ला की उम्र 40 साल थी और डॉक्टरों के अनुसार हार्ट अटैक से उनकी मौत हुई। लेकिन हैरानी वाली बात यह है कि सोशल मीडिया पर सिद्धार्थ शुक्ला की आखिरी पोस्ट हार्ट लाइन को लेकर दिख रही है। उन्होंने अपनी आखिरी इंस्टाग्राम पोस्ट पर #theheroesvo करके फ्रंटलाइन वॉरियर्स के लिए एक पोस्ट किया था जिसके नीचे हार्ट लाइन यानी दिल की धड़कनें बनी हुई थी। पोस्ट के साथ ही उन्होंने ये कैप्शन भी लिखा था, अब किस्मत का खेल देखिए कि मेडिकल स्टाफ की सराहना करने वाले सिद्धार्थ अपनी ही दिल की धड़कनों को खो चुके हैं। उनके परिवार में माँ और दो बड़ी बहनें हैं। वो मुंबई के अंधेरी वेस्ट में एक अपार्टमेंट में अपनी माँ के साथ रहते थे और उसी बिल्डिंग में उनकी बहनें भी रहती थीं। पुलिस सूत्रों के अनुसार सिद्धार्थ की माँ और परिजनों से पता चला है कि 1 सितंबर को रात 8 बजे वो अपनी माँ के साथ ही बिल्डिंग के पार्क में घूमने गए थे। रात का खाना भी माँ के साथ खाया। उन्होंने माँ को बताया था कि उन्हें थोड़ी अनइजीनेस लग रही है। और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उनकी माँ ने ये बताया कि देर रात 3:30 बजे वो बेचैनी महसूस कर रहे थे और सीने में दर्द होने की बात भी उन्होंने कही थी। उनकी माँ ने उन्हें पानी दिया और फिर उन्हें सोने के लिए कहा, लेकिन सुबह सिद्धार्थ उठे ही नहीं। उनकी बहन ने डॉक्टर को बुलाया और डॉक्टर ने उन्हें अस्पताल ले जाने को कहा। जब उनको मुंबई के कूपर अस्पताल ले जाया गया तो वहाँ के डॉक्टरों ने बताया कि अस्पताल पहुँचने से पहले ही उनकी मौत हो चुकी है। अब जैसे ही कूपर अस्पताल का नाम आया तो सोशल मीडिया पर लोगों ने उनकी मौत पर शक जताना शुरू कर दिया। दरअसल पिछले साल सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद उनका पोस्टमार्टम भी कूपर अस्पताल में हुआ था, जिस पर कई सवाल उठे थे। फिल्म इंडस्ट्री के कई सितारों की संदिग्ध मौत के बाद पोस्टमार्टम कूपर अस्पताल में ही हुआ और उनकी मौत आज भी रहस्य बनी हुई है, फिर चाहे वो सुशांत सिंह राजपूत हों, जिया खान हों, परवीन बाबी हों या फिर दिव्या भारती, सबका पोस्टमार्टम कूपर अस्पताल में ही हुआ और इन सितारों की मौत आज भी संदिग्ध मानी जाती है। यही वजह है कि जब सिद्धार्थ शुक्ला की मौत के साथ कूपर अस्पताल का नाम जुड़ा तो लोग शक जताने लगे। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद अपनी जांच को लेकर फजीहत करवा चुकी मुंबई पुलिस भी इस बार कोई गलती नहीं करना चाहती। सुशांत की मौत के बाद मुंबई पुलिस की इमेज पर लगे दाग अभी धुले नहीं हैं, इसलिए वो एक और सुशांत की तरह ही यंग और टैलेंटेड एक्टर की मौत को लेकर कोई लापरवाही नहीं बरतना चाहती। इसीलिए पुलिस न सिर्फ पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी को लेकर सतर्क है बल्कि सिद्धार्थ के घर से लेकर फॉरेंसिक एविडेंस जुटाने तक में कोई कमी नहीं छोड़ना चाहती। हालांकि सिद्धार्थ के परिवार वाले भी उनकी मौत को लेकर किसी तरह का कोई संदेह नहीं जता रहे हैं। आखिरी वक्त में उनकी माँ ही उनके साथ थी। दूसरा सवाल ये उठ रहा है कि क्या सिद्धार्थ शुक्ला जैसे फिट और फिटनेस फ्रीक को हार्ट अटैक हो सकता है। सिद्धार्थ शुक्ला अपनी सेहत और खान पान को लेकर बेहद सतर्क रहते थे। वो न सिर्फ फिजिकली बल्कि मेंटली और इमोशनली भी काफ़ी स्ट्रांग थे, ये उनके सोशल मीडिया प्रोफाइल को देखकर भी समझ में आता है और उनके इंटरव्यूज देखकर भी। बिग बॉस 13 में उनकी फिजिकल, मेंटल और इमोशनल स्ट्रेंथ भी सबने देखी थी। वो बेहद पॉजिटिव और हेल्पिंग नेचर के थे, इसलिए अब ये सवाल उठने लगा है कि क्या फिजिकली और मेंटली फिट होने के बाद भी हार्ट अटैक से नहीं बचा जा सकता।
अब फिटनेस को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं कि आखिर फिट रहने वाले भी अगर हार्ट अटैक के खतरे से दूर नहीं हैं, तो क्या ये मिथ तोड़ा जाए। सिद्धार्थ शुक्ला ने बॉलीवुड में कम ही काम किया है। वरुण धवन और आलिया भट्ट के साथ हम्प्टी शर्मा की दुल्हनिया में उन्होंने सपोर्टिंग एक्टर का रोल किया और उसमें भी अवार्ड जीता था, क्योंकि उनके लिए जीत बहुत मायने रखती थी। वो टीवी इंडस्ट्री का एक बड़ा चेहरा थे, उन्होंने कई सीरियल्स और रियलिटी शोज में काम किया और कई अवार्ड्स जीते। लेकिन पहली बार उनकी पहचान बनी थी सुपरहिट टेली सोप बालिका वधू से, जिसमें वो प्रत्युषा बनर्जी के साथ लीड रोल में थे। अब ये अजीब सा संयोग है कि इस सीरियल से पहचान बनाने वाली प्रत्युषा बनर्जी ने 2013 में आत्महत्या कर ली थी। दादी सा का रोल करके घर घर में अपनी जगह बनाने वाली सुरेखा सीकरी जी का पिछले दिनों ही निधन हुआ है, और अब उसी शो के लीड एक्टर रहे सिद्धार्थ शुक्ला भी हमारे बीच नहीं है। हालांकि सिद्धार्थ शुक्ला ने कई रियलिटी शोज भी किए हैं और खतरों के खिलाड़ी सीजन 7 के विजेता रहे, और बिग बॉस 13 जो कि बिग बॉस के अब तक के सभी सीजन्स में सबसे हिट माना जाता है, उसके विजेता भी सिद्धार्थ ही थे। बिग बॉस सीजन 13 के सबसे हिट होने का पूरा श्रेय सिद्धार्थ शुक्ला को ही दिया जाता है, क्योंकि बिग बॉस में उनकी पर्सनैलिटी ने कई दर्शकों को उनकी ओर खींचा था। उन्हें सबसे बड़ी फैन फॉलोइंग भी इसी से मिली। वो सोशल मीडिया के ट्रेंडिंग स्टार भी इसी शो के बाद बने। इस शो में उनकी और शहनाज गिल की दोस्ती को दर्शकों ने इतना पसंद किया था कि आज भी दोनों के नाम से बना हैशटैग सिडनास सोशल मीडिया पर ट्रेंड करता है। दरअसल बिग बॉस में सिद्धार्थ शुक्ला को लोगों ने इसलिए पसंद किया क्योंकि वहां वो एक्टर की तरह एक्टिंग नहीं कर रहे थे, बल्कि एक एक्टर से अलग वो किस तरह के इंसान है इसे वो लोगों को दिखा रहे थे, और ये लोगों को देखने को भी मिला। सिद्धार्थ की खास बात ये थी कि वो रियलिटी शो में सच में रियल लग रहे थे, चाहे फिर उनका गुस्सा हो, प्यार हो, दोस्ती हो, दुश्मनी हो या फिर इमोशन, उन्होंने कहीं भी उसमें एक्टिंग की मिलावट नहीं की, और जो सच्चा होता है वो सीधे दर्शकों से कनेक्ट कर लेता है। उनकी तमाम अच्छाइयाँ और बुराइयाँ बिना किसी फिल्टर के लोगों के सामने थी। बस सिद्धार्थ की यही सच्चाई लोगों को उनकी तरफ खींचने की ताकत बनी, और इसी वजह से सिद्धार्थ की फैन फॉलोइंग जबरदस्त तरीके से बढ़ी। वो बिग बॉस के किसी भी सीजन के शायद पहले ऐसे कंटेस्टेंट थे जिनके वन लाइनर्स तक सुपरहिट रहे, जो आज भी याद किए जाते हैं। उनकी हाजिर जवाबी भी कमाल की थी। कुल मिलाकर बिग बॉस के जरिए जिन लोगों ने उन्हें जाना, वो ये कह सकते हैं कि वो न सिर्फ स्ट्रांग पर्सनालिटी थे, बल्कि जिस तरह से अपनी बात रखते थे उससे ये साबित होता है कि वो एक इंटेलिजेंट व्यक्ति भी थे। इसी शो में उनके को कंटेस्टेंट रहे आसिम रियाज को उन्होंने अपने छोटे भाई की तरह प्यार दिया, लेकिन रियलिटी शो में प्यार पर कॉम्पिटिशन हावी रहा और आसिम ने शो के दौरान उनसे दुश्मनी भी कर ली। लेकिन सिद्धार्थ के इमोशन में कभी मिलावट नहीं थी, इसलिए वो आसिम के बदले रवैये से शो के दौरान भी काफी आहत दिखे। हालांकि विजेता सिद्धार्थ ही बने और आसिम रनर अप। सिद्धार्थ की मौत की खबर सुनकर सबसे पहले उनके घर पहुंचने वालों में आसिम रियाज भी एक थे। आसिम ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर सिद्धार्थ के साथ बिग बॉस के घर में गुजारे गए एक वीडियो को साझा करते हुए लिखा है कि मुझे सुबह बिग बॉस की जर्नी का सपना आया और मैंने देखा कि बिग बॉस की अपनी क्लिप को देखने के बाद सिद्धार्थ मेरे पास आए और उन्होंने मुझे गले लगा लिया। मुझे अब तक विश्वास नहीं हो रहा, दूसरी दुनिया में मुलाकात होगी सिड। ये बिग बॉस में बने आसिम और सिद्धार्थ के कनेक्शन को बयां करने के लिए काफी है। वही शहनाज गिल के सिद्धार्थ के लिए दीवानगी पर बिग बॉस होस्ट कर रहे खुद सलमान खान हैरान रह गए थे। कई लोगों को लगा था कि शहनाज गिल ये सब कुछ शो में बने रहने के लिए कर रही है, लेकिन बिग बॉस के बाद भी सिडनास को अक्सर साथ देखा जाता था। लोग पूछते थे कि वो शादी कब कर रहे हैं, लेकिन सिद्धार्थ हमेशा यही कहते थे कि वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। सिद्धार्थ की मौत की खबर सुनने के बाद शहनाज के बारे में मीडिया को बताते हुए इनके पिता संतोष सिंह ने कहा है कि उसकी हालत बहुत खराब है, वो सिद्धार्थ के बिना एक दिन भी नहीं रह सकती। जब ये खबर आई थी तब शहनाज शूट पर थी और खबर मिलते ही वो शूटिंग रोक कर सिद्धार्थ के घर पहुंच गई। यानी बिग बॉस सीजन 13 में सिद्धार्थ ने ना सिर्फ अपने लिए चाहने वाले फैंस कमाए, बल्कि कभी ना भूलने वाले रिश्ते भी बनाए और दुनिया के सामने खुद को एक मजबूत और टैलेंटेड पर्सनालिटी के तौर पर पेश भी किया।
यही वजह है कि बिग बॉस सीजन 13 जीतने के बाद अचानक से लगे लॉकडाउन में जहां टीवी और फिल्म इंडस्ट्री के लोगों के पास काम की कमी हो गई थी, वहीं लॉकडाउन के दौर में भी सिद्धार्थ शुक्ला का करियर ग्राफ काफी तेजी से बढ़ रहा था। उनके पास काम की कोई कमी नहीं थी, वो सोशल मीडिया के ट्रेंडिंग स्टार्स में से एक थे। इसीलिए उनका इस तरह अचानक दुनिया छोड़कर जाना हर किसी को हैरान कर रहा है। उनके अंतिम दर्शन के लिए कई सितारे सिद्धार्थ के घर पहुंचने लगे। सलमान खान, अक्षय कुमार, अजय देवगन, सुनील शेट्टी, वरुण धवन, परिणीति चोपड़ा जैसे तमाम बॉलीवुड सेलिब्रिटीज ने उनकी अकस्मात मौत पर काफी दुख भी जताया है। लेकिन सिद्धार्थ के फैंस अब भी इस सच का सामना नहीं कर पा रहे हैं कि उनका चहेता स्टार अचानक उन्हें यूं अलविदा कहकर कैसे चला गया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।